जिगरा अच्छी है, एक्शन वाइज बहुत ज़्यादा है, इमोशन वाइज बहुत अच्छी है, दोनों की केमिस्ट्री, वेदांग और आलिया की बात करें तो वो भी बहुत अच्छी लग रही है देखने में। लेकिन इसके साथ एक विक्की विद्या की वो वाला वीडियो भी, एक फिल्म आई है, मैं प्रेफर करूँगी आप वो वाली ज़्यादा जाके देखिए, वो वाला वीडियो ज़्यादा देखिए, क्योंकि ये वाली थोड़ी सी एवरेज है। फिल्म 2.5 घंटे की लंबी फिल्म है, तो 2.5 घंटे फिल्म बांधे, फर्स्ट हाफ आपको बांधे रखता है, लेकिन सेकेंड हाफ बहुत ज़्यादा स्ट्रेच्ड लगता है, कि एक्शन भी हो रहा है तो ऐसा लग रहा है कि सर दर्द है, बस कर दो, ऐसी 2.5 स्टार्स। मैं मूवी देख के आ रहा हूँ जिगरा, और सही में मेरे मतलब ये मेरे जिगर को चीरती हुई मूवी गई है। पहले मतलब फर्स्ट हाफ की बात करूँ तो थोड़ा इमोशनल हुआ देखकर मूवी, लेकिन सेकंड हाफ थोड़ा जा बहुत ज़्यादा स्ट्रेच का है। तो मैं ये कहूँगा कि आपको अगर थोड़ा बहुत भाई बहन वाला इमोशनल मूवी देखनी पसंद है, प्रिज़न ब्रेक टाइप की, अगर आपको कॉन्सेप्ट पसंद है तो आप इस मूवी को देख सकते हैं। आलिया और वेदांग का, आलिया भट्ट तो नो डाउट भाई बहुत अच्छा काम करा, उन्होंने बहुत अच्छा रोल करा है, और वेदांग की सेकेंड मूवी है ये, फिर भी उन्होंने ठीक ठाक काम करा है। आई विल गिव दिस मूवी 3 स्टार्स। मूवी काफ़ी अच्छी थी, आलिया भट्ट काफ़ी अच्छी लग रही है, एक्शन बेस्ड मूवी है, जिनको एक्शन पसंद है उनको अच्छी लगेगी। वेदांग रैना भी इस फिल्म में है, तो क्या कहना चाहेंगे फिल्म की कहानी? उनकी डेब्यू है, काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, मेरे को लग नहीं रहा था वो इतना अच्छा परफॉर्म करेंगे, लेकिन काफ़ी अच्छे से, मतलब आलिया भट्ट एक एक्सपीरियंस एक्टर है, उनके साथ उनका काफ़ी अच्छी जोड़ी लग रही है, भाई बहन का रिश्ता काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी अच्छी एक्टिंग लग रही है उनकी। लंबी फिल्म है 2.5 घंटे की, तो बांध ही रखती, थोड़ी सी कहीं कहीं पे ऐसा लगता है कि मिस हो रही है पिक्चर, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेच भी है मेरे ख्याल से, थोड़ी सी कट कर सकते थे। 4 स्टार। मूवी मुझे ठीक लगी, फर्स्ट हाफ है जो थोड़ा स्लो है, लेकिन सेकंड हाफ में मूवी ने पेस पकड़ी और सेकंड हाफ में काफ़ी अच्छी ग्रिप बनाई है। आलिया और वेदांग के काम के बारे में और फिल्म की कहानी के बारे में, आलिया भट्ट का काम बहुत अच्छा है, अभी पिछले हफ्ते मैं आलिया भट्ट से मिला भी था, बहुत अच्छी कलाकारा है, बहुत अच्छी वो एक्ट्रेस हैं। वेदांग का मैंने पहली बार काम देखा है और वेदांग भी अच्छे लग रहे हैं मूवी में, हालांकि रोल कम है, सारा जेल वाला रोल है, बट कम है और अच्छा है, ठीक है। तो रिकमेंड करेंगे आप देखने जाएं? देख सकते हैं, अगर फ्री हैं तो देख सकते हैं। 3 स्टार। मुझे बहुत अच्छी लगी और थोड़ा थोड़ा बकवास भी लगी, क्योंकि पूरा ही सीरियस चल रहा था। आलिया भट्ट जैसे भाई ने हमारे बताया था कि रणवीर कपूर बनने की कोशिश करी, जो है नहीं, बट ये कि ठीक है, जाएँ और देखें, बट और मूवी से अच्छी इसलिए क्योंकि उसमें रोमांस भरा होता है, ये सीरियस मूवी थी और फैमिली वाले देख सकते हैं, बट ज़्यादा इंटरटेनमेंट नहीं है। आलिया और वेदांग का काम, सॉरी, आलिया और वेदांग का काम ठीक था, बस सो था, ओवर रेक ज़्यादा था, ओवर रेक 3। बकवास। 2.5 घंटे की लंबी फिल्म है, तो कहाँ से फिल्म आपको, मैं तो सोच रहा था कब खत्म हो जाए, जल्दी खत्म होती तो ज़्यादा। कहाँ कमी रही? कमी सारी जगह रहेगी, ये बोलो कहाँ पकड़ रही है, पकड़ कहीं पे भी नहीं थी, एक छोटा सा इमोशनल टच दिया हुआ है भाई बहन का, तो वो ठीक था, रक्षाबंधन पे रिलीज़ होते थे ज़्यादा बेटर था, गलत टाइम पे रिलीज़ कर दी और चलेगी नहीं, बेकार। आलिया और वेदांग का, वेदांग का काम अच्छा था, आलिया का भी ठीक ठाक लगा, पर वो जम नहीं रही थी, मतलब वो अपने आप को एनिमल समझ रही थी कि मैं रणवीर कपूर की तरह एक्शन करूँगी, एटीट्यूड उस तरीके दिखाती, पर था नहीं कुछ अच्छा, बेकार था। एक कर दिया ये, इससे बढ़िया फिल्म देखनी है तो फिर सावी देख लो, सावी भी मतलब ज़्यादा सही है, जेल ब्रेक का कॉन्सेप्ट उसमें भी है, इसमें कुछ ज़्यादा ही ओवर दिखा दिया आलिया भट्ट ने, इसमें सारी कोशिश करने की कोशिश करी है कि मतलब सारी वैरायटी वो दिखा दे, मतलब मज़ा नहीं आया, मतलब मेरे को आलिया भट्ट से इतनी उम्मीद नहीं थी कि इतना ओवर वो करेगी। कहाँ कमी लगती है फिल्म की कहानी में, एक्टिंग में? मुझे फिल्म की स्क्रीन प्ले में और लॉजिक में काफ़ी कमी लगी, इसमें लॉजिक नहीं लगाया गया है फिल्म को बनाने में, मतलब आप इंटरनेशनल जेल ब्रेक दिखा रहे हो और आप इतनी इजीली उस जेल ब्रेक भी कर रहे हो, मतलब यार इट्स नॉट दैट इजी यार, मतलब और एंड में 6,000 कैदियों को छोड़ के सिर्फ 4 कैदियों के पीछे पुलिस पड़ रही है, ये इलॉजिकल सीन लगा मुझे। शुरू में दिखाया है कि बाप सुसाइड कर लेता है, लेकिन उसका पूरी फिल्म में रीज़न नहीं बताया कि क्यों करता है, आई मीन शुरुआत में एक शादी का सीन दिखाया था पूरे फिल्म में, फिर वो शादी का सीन का रेलेवेंस है ही नहीं, मतलब सीरियसली मुझे समझ में नहीं आया, मतलब क्या है फिल्म में, मतलब मज़ा नहीं आया। 2 स्टार। अच्छी है, अच्छी है, स्टार कास्ट है, अच्छा सीक्वेंस है और फिल्म में क्लाइमेक्स भी अच्छे हैं, फिल्म अच्छी है, बहुत अच्छी। हाँ, बहुत दिनों बाद भाई फिल्म, भाई बहन को लेकर कोई फिल्म अच्छी आई है, तो इमोशन था फिल्म में, ड्रामा अच्छा था, स्टोरी, स्टार कास्ट अच्छी थी, आलिया ने बहुत अच्छी एक्टिंग की, न्यू कमर
हाँ फिल्म तो लास्ट लास्ट तक बांध के रखती है, 4 स्टार। मूवी काफ़ी अच्छी थी और क्या कहते हैं जब इसमें जेल ब्रोक वाला जो सीन था वो काफ़ी अच्छा लगा, तो मूवी काफ़ी अच्छी थी। आलिया का जो रोल था वो काफ़ी अच्छा था इस मूवी में, वेदांग का थोड़ा ठीक नहीं लगा लेकिन आलिया का काफ़ी अच्छा लगा था। 5 में 4 स्टार मिलेंगे।